कुछ कहना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय बता, हम नहीं तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। मुख्यमंत्री जी, जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसादव के खिलाफ CBI गई है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी जमानत रद्द किया जाए, तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जान बूझ करके ना तंग करता है, अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है वो सब को तंग ही ना कर रहे हैं जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, छोड़िए ना। सर, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, अच्छा सर, राजभवन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या? शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है, देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, हम तो सब ना करेंगे, सबके हित में ना काम करेंगे जी। मुख्यमंत्री जी, राजभवन के साथ कोई टकराव चल रहा है और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बीच में जो आ गया था तो गवर्नर साहब से बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, नहीं वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा, कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करते हैं, इसलिए चिंता मत करिए, कोई टकराव की बात है क्या सर? कुछ नहीं है, वो इधर उधर नहीं है। सर 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 अभी हाल ही में 2 दिन पहले तरह से हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, आप 3 लोगों को जितना कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि हम माइक नीचे कर लो यार, सब लोग पार्टियों की मीटिंग में ही हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था, जान लीजिए ये कोई डीजी नहीं है, सारा कार्यक्रम तय कर लिया, ये सभी जात की जनगणना तो हो ही जाएगी, उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का कोई और जाति, सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है, ये हम लोगों ने तय कर लिया, ये सब काम किया, अब चूंकि ये सब काम किया है तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार भी करना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, और फिर कितनी आबादी है, और फिर आर्थिक स्थिति क्या है, और फिर देखिएगा कि गांव में रहता था अब चला गया दूसरी जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान लीजिए गांव का रहने वाला है और कोई दूसरे शहर में भी रहता है तो सबको ना देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या, लेकिन सॉलिसिटर जनरल इसके लिए सारा काम मैंने जो सर्वे करने का काम कर चुका, अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज का, जिन जिन चीजों के बारे में तय है सब चीज को सर्वे कर लिया है, अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर रहा है, अब वो तैयार करके घोषित करेगा, तो इसमें कौन सी चीज है, यहाँ पर भी कुछ लोग किया था, बहुत दिन रुका हुआ था, तो फिर जब यहाँ तब जो कर दिया हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसी समय से फिर जो बचा हुआ काम था 20% वो भी पूरा कर लिया, तब तो हो ही गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका तो नहीं है, तो काम तो पूरा कर चुका है, कोई चिंता नहीं क्या कर रहा है, उनको पता भी नहीं है, अब खाली एक घोषित कर दे बेचारा कि आबादी इतनी है, इस जात को इतनी है, लेकिन हम लोग तो तय किए थे ना कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी जानिए, तो जो घोषित होगा सब चीजें घोषित होगा जी, बहुत अच्छे ढंग से ना, नहीं तो खाली संख्या घोषित करते तो वो तो हो ही चुका, इसीलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, और एक एक चीज होगा तभी तो, और देखिए हम लोग सभी पार्टी की मीटिंग में बैठ करके हम लोग तय किए थे 21 में, और आप समझ लीजिए कि सब चीज जब तय हो गया और 22 से इसकी शुरुआत की गई,
तो इसमें तो कोई पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं राज्य में सब तो किया, अब इस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्या चीज है, कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब की बात है। और वही किया जा रहा है जो सबकी सहमति से तय हुआ है, तो हो ही रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि सवाल है करने के आंकड़े भी सार्वजनिक करें, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक, कई राज्य में हुआ तो जो रिपोर्ट पब्लिशिंग की बात हो रही है। देखिए वो नहीं थे क्या, जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है, हर किसी को मालूम है, ये हो गया है तू बेचारा सब जो कर किया है, तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके तब ना घोषित कर देगा, वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है एकदम, इतना मेहनत कर रहा है सर, जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन, गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार, क्योंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन, तो इसी पर हो रहा है। सरकार का सॉलिसिटर जनरल अचानक इसमें पूछता है उसको नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं। देखिए एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था, तई तो कुछ कर ही नहीं रहे, 21 से किए कितना साल बिता दिए, नहीं तो पहला बार हो रहा है ना जी इस देश का, तो इतिहास बदल रहे हैं, ये कभी होना चाहिए, ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज़ को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज़ ना था जी, तब उसको कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं, और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल है सर, सर लालू प्रसाद जी के खिलाफ सीबीआई पहुंची है, जातीय जनगणना आप जान लीजिए, बिहार वाला जो कुछ भी पब्लिश हो जाएगा ना तब सब लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे, उसके बाद कई जगह तो लोग करना ही चाहते हैं, अनेक राज्यों में करना चाहते हैं, ये मॉडल अगर बहुत हम इसलिए शुरू से तय कर दिए हैं तो उसी तरह से ऐसे ही अचानक किसी चीज को घोषित नहीं, हर चीज के साथ घोषित कर दो, तब ना कोई जानेंगे, तो इसी तरह से सब जगह करेंगे तो सबके हित में ना होगा जी, तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को कोई इसी चीज को लेकर। मुख्यमंत्री जी आप जब गैर भाजपा दलों को एक साथ ला रहे हैं, हाँ जाहिर है मुख्यमंत्री जी, अरे सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, हाँ दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है, तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और एक को मीटिंग है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट। मुख्यमंत्री जी आप जब आप सबको साथ ला रहे हैं, लालू जी ने कही थी कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभार दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय बता, हम नहीं तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। मुख्यमंत्री जी जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसादव के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत रद्द किया जाए, तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जान बूझ करके ना तंग करता है।